नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी सीट बंटवारे की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। हालांकि माना जा रहा है कि यूपी उपचुनाव में सपा 8 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। इसी बीच कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को लेकर निशाना साधा है। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एनसी के बाद आज एसपी ने भी कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी है। उनका यह पूरा बयान यूपी उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन ने इंडिया गठबंधन में उसकी छवि को कम कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए कहा कि यूपी उपचुनाव के लिए हुए समझौते के तहत अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट के साथ साथ गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। मतलब स्थिति साफ है कि यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस के हिस्से में गाजियाबाद और खैर की सीट आई है। इसके साथ ही यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि उन्हें अभी इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है और कांग्रेस 5 सीटों की मांग कर रही थी। वहीं यूपी उपचुनाव की 9 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने करल सीट से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मीरापुर से सुम्बुल राणा, कटहरी से शोभावती वर्मा और मंझवा विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतारा है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें कटहरी जो कि अम्बेडकर नगर की सीट है, करहल मैनपुरी की सीट है, मीरापुर जो मुजफ्फरनगर जिले में आती है, गाजियाबाद, मंझवा, मिर्जापुर, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदर की शामिल हैं। इन सभी सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव के तहत मतदान होगा और रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी खींचतान जारी है और पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, तो इन चुनावों के परिणामों के बाद किसके पक्ष में यहाँ पर फैसला आता हुआ नजर आएगा। क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से लीड करती हुई नजर आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को सुधारते हुए सूबे में एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SBN 9 न्यूज।